स्ट्रेस रिलीफ एक पार्टी होने वाली थी शाम को। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे वो पार्टी के लिए। जैसे ही हम पूल पार्टी की लोकेशन पे पहुंचे, सबका मूड इतना अच्छा था, सब क्रेजी हो गए, पागलों की तरह हम सब नाचने लगे। एंड वी वर डांसिंग विद ईच अदर। उस टाइम पे हम लोग ने शायद अपने सारे फाइटिंग साइड में रख के सब एक साथ एक फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे थे। It was such a great kind of environment and everybody was having so much fun. जब हम लोग यू नो डांस कर रहे थे, अचानक से मोहित केम एंड मोहित एंड मी स्टार्टेड डांसिंग। Because you know Mohit is a person जो भले उस ग्रुप का है बट फिर उसने इनिशिएटिव लिया, तो गुड मोहित। 1.2 पार्टी फुल स्विंग पे चल रही है, सब लोग फुल मस्ती मूड में हैं, सब नाच गा रहे हैं। उसी टाइम पे मेरे को एक मैसेज आता है रणवीर जय का। आकाश, मुझे पता है तुम पार्टी के लिए तैयार हो गए होगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग टू एंजॉय द पार्टी, बट आज की पार्टी में तुम्हारे लिए एक सीक्रेट असाइनमेंट है। रितु और स्टेफी को छोड़कर किसी भी और लड़की को एक लैप डांस देना है। दैट इज योर सीक्रेट असाइनमेंट। बेस्ट ऑफ लक। समझ आ गया था कि स्प्लिट्सविला में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती, तो ये पार्टी भी एक तरीके का असाइनमेंट थी हमारे लिए। तो मेरी तो बहुत बुरी वाली। बसीर, यू हैव टू गिव अ बैक मसाज टू स्टेफी। बेस्ट ऑफ लक। स्टेफी, वो बंदी से मैं बात तक नहीं करता, मैं उसको टच तक दूर की बात, उसको मैं मसाज कैसे दूं? This was such a difficult assignment for me. Boo! तुम्हें अक्षता और अलीशा को उठा के पूल में फेंकना है। अक्षता, manageable. अलीशा, impossible. Secret assignment था, मुझे पता नहीं था किसको क्या आया है, क्या ये मेरे को आया है सिर्फ या किसी और को भी आया है। मोहित, आपको दो लड़कियों को एक awkward hug करना है, तब तक जब तक they make you back off. वो लड़कियां हैं नैना और दिव्या। बेस्ट लक ब्रदर, डोंट गेट हर्ट, डोंट गेट बीटन अप। तो बेसिकली ये पार्टी जो हुई थी, इट वाज नथिंग एल्स। तो पहले मैं गया सर डांसिंग एंड नैना, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि यार कैसे होता है ये लेवल, कैसे बिल्ड होता है, व्हाट हैपेंस। मुझे डर था कि यार शायद वो समझे नहीं कि एक टास्क है, शायद वो घूम के सीधा एक चाटा मार दे। मैं अक्षता के पास गया, एक सालसा करना स्टार्ट किया मैंने। उसको एक अपने फॉल में लिया, उसको उठाया और पानी में फेंक दिया। मैं उस टाइम पे उनको शायद स्लैप कर देती उनके ये बिहेवियर से, बट उस टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। अक्षता का बॉयफ्रेंड मैं होता, रिपू को इतना मारता, इतना मारता। मुझे लगा अब झगड़ा होगा, अब कुछ होगा। रिपू नॉट डन। तेरी साले हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे कनेक्शन को पूल के अंदर धक्का दे दिया। मुझे उस टाइम पे बुरा लगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाया एंड मैंने रिपू को भी पूल के अंदर वापस धक्का दे दिया। मेरी दिमाग की बत्ती जली, आई वाज लाइक यार आई कुड डू दिस। नैना, उसको सिर्फ डराओ कि आप पूल में उसको फेंकने वाले, दैट्स इट। मोहित started acting weird. मुझे ऐसा लग रहा था उस जो सॉफ्ट ड्रिंक थी उसमें कुछ मिला दिया गया। Back off, Mohit. तो वो दिव्या को भी सेम कर रहा था। मुझे 100% डाउट था कि उस ड्रिंक में कुछ था।
जो भी हो रहा है ना पार्टी में, हम कुछ और सोच के आए थे, वो कुछ और रहा है। बहुत वियर्ड से बिहेवियर्स हो रहे हैं रिपू की तरफ से, मोहित की तरफ से। मैं देखता हूँ कि उधर दिव्या है, नैना है। नैना तो ऑब्वियसली अब बिग नो फॉर मी। अगर मुझे असाइनमेंट हारना मंजूर करूंगा मैं, पर उसके साथ डांस नेवर। थोड़ा सा ऑकवर्ड था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरा कोई धंधा तो है नहीं डांस करने का। रितु ऐसे देख रही थी like what's going on। पता नहीं कौन सा भूत आता है आकाश के अंदर and he started giving her a dance। क्यों? और रितु देख के बहुत भड़की और चिल्लाई मेरे पे कि क्या हो रहा है मेरे पीछे से। बट वो अलीशा की फ्रेंड है तो वो हंसी मजाक में बात टर गई। अब स्टेफी को कन्विंस करना था फॉर द मसाज एंड आई वाज लाइक लेट्स ट्राई समथिंग। जो भी इधर है मोहित, मेरे कुछ बोलना था। मैंने सोचा कि अब मैं सबको पहले इकट्ठा करता हूँ, एक अच्छी सी वाइब क्रिएट करूँ सबसे पहले। बेसिकली आज मैं घर जाते जाते रह गया एंड आई थिंक ये आखिरी 10 दिन ऑल ऑफ अस शुड लाइक, जिसके भी जितने लफड़े प्रॉब्लम्स है right. जो कुछ हो गया है आई थिंक लेट्स keep it aside and let's have fun tonight। Yeah. Toast, everybody! मैंने कहा अच्छा एकदम से तेरे में कौन सा भगवान जाग गया? I simply do not agree। I was like it's not happening। क्योंकि मैं I don't forget। Be stress free। Sparkling boy। Say hi। मैं कुछ बोला है अभी, you saying not happening? Mean it? I don't। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। I'm being nice to everybody here। किसी की कोई बुराई नहीं है उसमें। not happening is कोई किसी के घर में चोरी करके नहीं भागा जो not happening बोलने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं भाई। नैना का ये इशू हुआ, नैना हटी एंड स्टेफी के पास गया मैं और I was like, you know, I'm sorry about everything that happened। यहाँ से मेरा secret assignment शुरू हो रहा था। I was just about to leave, it was the last round and I could go। That's why I felt like आज party है, so I'll just, you know, in a good moment I'll just say it to everybody। इसको कौन सी दवाई या गोटा पिला दिया गया है जो इतनी sweet, इतना अच्छा हो गया? Don't hate me, man. I won't be famous। I'm sorry। So make it up। जैसे ही मैंने ये कहा उसके नेक्स्ट सेकंड मैंने कहा आई एम गोना मेक इट अप टू यू बोथ, मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहता हूं। आई एम गोना गिव यू लाइक अ शोल्डर मसाज, इट्स लाइक अ मेकअप, आई वांट यू एंड यू बोथ, इट्स लाइक यू एंड यू बोथ सिट डाउन एंड डू इट। आई वाज लाइक मसाज, वाओ मेरे लड़के ने नहीं दी, तू ही दे दे। स्टेफी वाज माय टारगेट बट आई स्टार्टेड विद रितु क्योंकि वो ऑब्वियस ना लगे। एनीथिंग विल बी कूल। आई वांट टू जस्ट आकाश सड़ रहा था देखकर। I was like okay, it's working। ये क्या हो रहा है? I'm like I got to learn something today। Because आप नहीं करते हो तो उन्होंने बोला मैं मसाज देता हूँ। I got it। Fast forward। Now next। Can your hair be like one side? Go for it, Basir। Here we go now। She was actually happy। Basir पर उसकी नजर हर बार रहती ही है। Basir मसाज दे रहा है, इधर पीछे मैं आप ही हूँ, नैना उधर मैं से। अच्छे से बाल पीछे करके या। I got really pissed off। Swapping कर रहे हो क्या सब जने यहाँ पे? उल्लू बना रहे हो क्या हम लोगों का? Saying sorry, it really really means it out। Is it like too much? Good। Too much pressure? Seriously. I've learned this today, so I was like, let me try. I also know what I do. Now I will. Anytime, it's okay. If you don't mind me touching. Oh my god, that was like the coolest thing ever. I am a person जो थोड़ा you know soft hearted हूँ। अगर कोई मुझसे प्यार से बात करता है ना तो मैं ऐसे होती हूँ, हाँ ठीक है,
ठीक है जाओ ले जाओ मेरी जान ले जाओ। दूर कहीं से नैना ने ये सब देख लिया और चिढ़ के वो भाग गई। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। What's wrong with you? Why would you do this? Why would you come inside? Come and sit here. What? One second. Listen to me. Why you always have go against me? मैं क्या गलत बोला अगर if I want to sort things with everybody? So you sort, no? So don't say everyone. You don't have to react like that. We are together. You and I are a couple. अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो you could just respect. अगर आपको नहीं करना है मत करो. पर आप उस सबके सामने ये बोलने की जरूरत नहीं. You go give सबके सामने massage. You listen to me. Talk to me. उसको कुछ नहीं पता था कि मुझे असाइनमेंट मिला है एंड ऑल। आई वाज लाइक ये लड़की को कैसे समझाऊं एंड आई कैन टेल नैना अगर मैं नैना को बोलता हूं तो आई एम डिस्क्वालीफाइड। आई वाज जस्ट लाइक बीइंग नाइस। बी नाइस, आई विल बी नाइस टू यू। आई एम समबडी फ्रॉम डे वन नॉट टॉकिंग टू एनी गाय, फ्रेंड ज़ोन एवरी गाय, ब्रो ज़ोन एवरी गाय एंड यू गोइंग एंड गिविंग मसाजेस टू एवरी गर्ल। पागल नहीं हूं मैं यहां पे। फाइनली मैंने अलीशा को पानी में डाला, आई वॉज हैप्पी और उसके बाद सच में सब लोग स्विमिंग पूल में कूदना शुरू हुए। हेलो, हाय, रणविजय एंड सनी जैसे आए अब और धमाके नहीं फटने चाहिए यार। पूल से बाहर आए सब लोग अपनी एक लाइन में क्यू में खड़े हो गए। वी एक्चुअली हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू गाइस। आज का जो पार्टी था ये आपका एक बेवॉच सेशन था। चार लड़के जो कि आइडियल मैचेस में नहीं है उन सबको एक सीक्रेट असाइनमेंट दिया गया था। आई वाज लाइक ओके, अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा था पार्टी में। आकाश बता दो क्या असाइनमेंट था। सर मेरा असाइनमेंट ये था कि मैं किसी भी लड़की को लैप डांस दूं एक्सेप्ट स्टेफी एंड रितु। क्या लैप डांस? यस। किसको दिया तूने? मुझे। आकाश तूने आज तक किसी को लैप डांस नहीं दिया, अचानक से पूल पार्टी में तेरे को कौन सी माता चढ़ गई कि तूने यू नो वो भी अलीशा के लैप्स पे जाके बैठ गया, वो तो तेरी पूरी बॉडी उसकी एक थाई जितनी है। रिपु मेरा सीक्रेट असाइनमेंट ये था कि मैं अक्षता और अलीशा को पानी में फेंकूं। तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिला कि थैंक गॉड ये लड़की बर्वर्ट्स नहीं है, ये लोग एक चैलेंज के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मेरा सीक्रेट टास्क ये था कि मुझे दिव्या और नैना को ऑकवर्डली हग करना है तब तक जब तक दे आस्क मी टू बैक ऑफ। ओह माय गॉड, लाइक यार आई थिंक आई जज्ड थोड़ा सा मोहित एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मोहित ने कभी ऐसा किया नहीं था तो आई वाज आर यू अपसेट अबाउट इट कि पहले नहीं किया? नहीं, I was feeling surprised. I was shocked. I'm really like, sorry. Maddie. Very bad. Maddie, back up. Basir. मुझे स्टेफी को back massage देना था. स्टेफी का जब हमने चेहरा देखा, उसका तो दिल ही टूट गया था. स्टेफी is very upset. Yeah. She really thought that was a genuine massage. No, sir. It's not about being upset. You feel cheated? I was just telling Akash से मेरी conversation हो रही थी and I was like जो भी हुआ जैसा भी हुआ I think Basir is a good person. वो ये बोल रही थी कि अब सब अच्छा हो रहा है अगर उसकी तरफ से friendship का हाथ है तो let's just clear everything. Like she was very genuinely saying things. That was something जो मुझे you know it touched my heart. मैंने कहा ठीक है Basir तूने झूठी चपड़ी बातों में फंसा के कर दिया, very good, congratulations, you did your task well. So two people have done an amazing job which is Mohit and Basir. And the winner of today's secret assignment is the one who also won this afternoon, which is Basir. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड नैना को मैंने देखा लाइक चलो ठीक है भूल जाओ जीत तो गए। So now you cannot be mad at her now. Trust me for God's sake. Okay. I'm not a bad guy, man. I'm a good guy and I really meant कि मैं सबसे अच्छा होना चाहता हूँ। He's just a cuddler. He's just a cuddler. सब लोग बड़ा खुश, बशीर इतना खुश, वो शाहरुख खान समझने लगा। मैं उसके बाद रणविजय सर को बोल रहा हूँ, मैं कहा सर मेरे लिए भी कुछ कर लो, मैं भी परेशान हो गया हूँ, मेरे को भी कोई सरप्राइज दे दो। तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। जरूर चाहिए। चाहिए? इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू।
मैं कहा भाई मेरे लिए सरप्राइज है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे मैं गेस करने लगा, सरप्राइज है या शॉक? पार्टी हो रही है तो लेट्स हैव अनदर गेस्ट। व्हाट? वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। उन्होंने जैसे ही बोला वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड दे लुक्ड एट देयर राइट, तो हमें ना किसी की शैडो दिखी कि कोई आ रहा है। हम सोच रहे हैं पार्टी में कोई सेलिब्रिटी गेस्ट होगा, एक टॉल फेयर मस्कुलर मैन आते हैं चल के, उनको देख के हमारे जो लड़के थे उनकी शक्ल छोटी सी हो गई थी। मैंने इसका शक्ल नहीं देखा था, उसकी मुझे बॉडी देखी, आई वाज लाइक दिस बॉय लुक्स नाइस, ही लुक्स लाइक ही इज अ वेल बिल्ट गाय। ओह माय गॉड, लड़कियां बहुत इंटरेस्ट से देख रही जिनके आइडल मैचेस ही बने कौन है कौन है कौन है, बट मैंने अलीशा को देखा वो ऐसे महसूस की शक्ल, I was like what, what are you doing here, I was just frozen, I was like what do I do, you can call me ex, you can call me ex। आप में से कोई इनको जानते हैं? No, no। हनी, you must know him। No। अरे नहीं, तू नहीं जानता इसको? It is so... क्या तुम लोग ज़रा बातें नहीं करते हो क्या आप और अलीशा? इतना तगड़ा कनेक्शन, बेबी बेबी आइडियल मैच, यू डोंट टॉक अबाउट योर एक्सेस? ओह माय गॉड अलीशा, गॉड, तो जो मजा आया उसके बाद हनीत की जो शक्ल देखने वाली थी ऐसे बिल्कुल मुरझाए हुए पपीते जैसी शक्ल बना ली थी हनीत ने। मेरा क्या शौक दिया यार, और किसी लड़की का नहीं बुलाया अभी तो, किसको? अलीशा का एक्स बॉयफ्रेंड। हमारा ब्रेकअप को इतना टाइम नहीं हुआ था, हमारी बहुत बड़ी झगड़ा हुई थी एंड बेसिकली ब्लॉक्ड ऑल द रास्ते फॉर हिम टू कम बैक, मैंने इसको बहुत कुछ कह दिया था। शी वाज लाइक एंड आई वाज लाइक हे सब जब मैं उसको देखा विद सम अदर गाय, बहुत बहुत बहुत, इट वाज अ टफ फेयर सिचुएशन फॉर मी। आकिब इज हियर टू स्टे, ही इज वन ऑफ यू गाइस, वेलकम स्पेस वाला भाई। मैंने अलीशा को देखा, मैंने कहा थैंक यू कर भगवान से, मैं कहा देख मुझे, मैं कहा इसको देख बाहुबली को। I was worried कि अभी क्या सिचुएशन होगा, he was just looking at me like already जैसे मैंने किसी का खून कर दिया, you know, obviously हर किसी का पास होता है, हनीत का ज्यादा वही आता है मेरे से। My gosh, I have the most amazing news for you guys. Oh, what amazing news? Wow. बस सनी रुलाओगी क्या? This is awesome. You know what? This is just for the ladies. Akib has an ideal match here. Whoa. Oh my god. मैं और नैना, we like just clapped hands like. अब हमारे लड़के आएंगे लाइन पे, बसीर और प्रियांक बहुत उड़ते हैं, मसाज करते हैं, डांस करते हैं लोगों के साथ। चलो एनीवेज हम लोग जाते हैं सनी एंड आई। यू हैव सो मच टू कैच अप ऑन, मेक हिम फील वेलकम्ड। यस अनीत अपने भाई जैसे समझ। ऑलराइट गाइस, एंजॉय द पार्टी, सी यू गाइस सून, थैंक यू, बाय बाय। तो जैसे ही रणविजय और सनी जाते हैं, दूसरे ग्रुप वाले उस पर टूट पड़ते हैं और हमारा स्टेफी चढ़ गई कि ओह माय गॉड, ही कुड बी माय कनेक्शन। हाय आई एम अलीशा, व्हाट्स अप? सो वो सबसे बात कर रहा था, मैं नजर उस पर थी एंड देन हनी इज लाइक हो गया काम, आ गया तेरा एक्स। मेरे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ना हो है, कितने साल से? नॉट साल, कपल ऑफ मंथ्स। कपल ऑफ मंथ्स? हां तो तुम अच्छा लग रहा है उससे मिलकर, या बुरा? Yes, it's not that. I feel good that we have someone else on our team. There be a problem between us? There'll be no problem, but what we're gonna do is we're gonna work in a team. So we're gonna get him. वो है. See. मैं अपनी personal बात कर रहा हूँ. तुम्हारी मेरी. It's not a problem. नहीं है. It's not going to be a problem. तुम्हारी मेरी. No, it's no problem. I was like, मुझे अभी आकिब को भूलना है, ये सब situation को भूलना है. Right now, I need to focus on the game. मुझे आकिब को हमारे group में लाना है. So हमारी team में कितने लोग हैं? 5. गिनती के 5. Maddie गया. बाकी के सब लोग आर डिफरेंट टीम, और ये लोग क्या करते हैं, कोई भी टास्क में दे गैंग अप ऑन अस। नाउ दैट यू आर हियर, ओके, नाउ दैट यू आर हियर, योर टीम अलीशा, आई एम गोना टेल यू हु इज वर्थ टॉकिंग टू एंड हु इज फेक। ओके, मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे कि आकिब तो आएगा, ही इज माय एक्स, वी हैव हिस्ट्री, वो जरूर आएगा हमारे ग्रुप में। टुनाइट मैं आकिब को सब कुछ समझाने वाली हूँ कि सीन क्या है,
यू हैव टू पेयर अप विद हिम. अगर मैं बोलूं कि सेफी के साथ पेयर अप कर लो, वो कर लेगा. ही लिसन टू मी, आई नो दैट फॉर श्योर. यू ओनली हैव टू बी विद हिम, नोबडी एल्स. दे वर प्रेशराइजिंग मी, रितु, अलीशा, एंड आई वाज लाइक, डूड, द फर्स्ट रीजन दैट मैं उस ग्रुप में नहीं हूं इज बिकॉज मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता यहां पे. मुझे कोई बताएगा नहीं मुझे क्या करना है. केस कन्विंस कर लिया उसको तो. पहला बात. दूसरा, रितु, अलीशा एंड स्टेफी, दे've decided to gang up. और उसको and get the guy. हाँ. तो basically अभी स्टेफी और वो एक साथ होंगे. एक चीज सुन, तो अभी फिलहाल रिपो मेरे हाथ से स्टेफी भी गई. क्या उनके ग्रुप में ही रहेगा स्टेफी, उसके साथ पेयर अप करेगी. एग्जैक्टली. अलीशा इज द होल. फिलहाल वहाँ की बॉस लेडीज रितु नहीं है, अलीशा चल रही है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आखिर उनके साथ ही खेलेगा. एक अलग माहौल था क्योंकि एक नया कंटेस्टेंट एंटर हो चुका था, बट हमारे ग्रुप में नहीं, दूसरे ग्रुप में. हम लोग सुबह उठते हैं, हमें सनी और अनविजय का मैसेज आता है. मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेंस. गुड मॉर्निंग. आकिब, गेट रेडी टू कैच योर मैच. रितु, नैना, दिव्या एंड स्टेफी, गेट रेडी टू मेक एन इंप्रेशन. गुड लक गाइस. मैंने स्टेफी को बोला हुआ था कि देख स्टेफी, यू हैव नो पार्टनर, यू हैव टू ग्रैब हिम. तो मुझे भी तो आगे जाना है, मुझे भी तो आगे परफॉर्म करना है ना किसी के साथ. तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैड टू गो विद समवन. तो आखिर में मुझे वो सारे चीजें दिख रही थी कि हाँ, ये बंदा है जिसके साथ मैं मैचअप हो सकती हूँ. आके बाहर कमरे में अब हरीत की शक्ल मेरा मेकअप कर दो ना. आके वाज लाइक दिस क्लोज टू मी, लाइक राइट हियर, एंड हनी वाज लुकिंग एट मी लाइक, व्हाट आर यू डूइंग टू मी. आई वाज लाइक, आई एम सॉरी. मैं एंट्री बैन करा दूँ उस बंदे की इस रूम में. ये मेरा प्राइवेट रूम है, बट कोई बात नहीं. मुझे लगा कि शायद वो स्टेफी को चूज़ करेगा, बिकॉज मैंने स्टेफी को अपने हाथों से तैयार किया था. मैंने अपने दोस्त को अपने एक्स के लिए एक डेट के लिए तैयार किया था. You can call me ex. You can call Hello everyone. Hi, how are you? What's up? Mr. Rex. Mr. Rex moves. So birthday in villa and four girls. Wow. ये किसी की किस्मत नहीं हुई अभी तक. Lucky me, lucky me. What a player. We had a very decent conversation to start up with. मैंने धीरे धीरे बताया क्या है हम, कैसे हैं. Since day one, I've been sticking to only one guy. So अभी तक मेरा ये भी नहीं हो रहा था कि मैं try भी करूँ जो और बाकी लड़के हैं. तो but then the moment I saw you, maybe that time I thought के जैसे मैंने description मैंने दिया था, the kind of guys I like, so you fit into it very well. दिव्या सुनो, अभी आया है वो, कल रात को आया है. तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ideal match है? गधी हो, stupid हो, I mean come on. मेरा और प्रियंका जो भी है, that is all out of Splitsvilla and it's our personal life. तो एक time था जो हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा अटके हुए थे एक दूसरे पे. तो बिकॉज हम दोनों ने ये डिसाइड किया गेम में तो रहना है. तो अगर गेम में रहना है तो उसका एक ही बेस्ट वे है रहने का, आइडल मैचेस ढूंढ लो, आगे जाओ. मैडम को आशिकी लड़ानी है प्रियांक से, फिर उसकी नज़र डालनी है रिपू पे, अब नया लड़का आया आकिब. इट शोज भाई हाउ डेस्परेट यू आर. हम लोग ऐसे ऋतु में देख रहे थे कि क्या लड़का गया, हाथ से निकल गया. When it comes to performance, I'm very competitive. Perform करके ही, without a connection, I have reached a level. तो for me, it has to be first. It has to be win-win situation for me. So if you are a performer, I'm a performer. I'm sure we can like. That's what I'm looking for. Steffi is a kind of a girl. She's focused. उसके पास एक logic है कि मुझे ये चीज करनी है बस. I was pretty sure he'll take Steffi's name because kal raat bhi un log ne wo group mein bitai hai. The date also they were maybe okay. So I was very sure ki wo Steffi ka naam lega. This is MTV Splitsvilla 10. Aap log yahan par apne agle test your bond challenge ke liye hain.
इस चैलेंज में चार लड़के हिस्सा लेंगे अपने कनेक्शंस के साथ. उनमें से एक लड़का होगा आकिब. द अदर पर्सन जो डेफिनेटली ये चैलेंज कर रहे हैं इज मोहित. क्यों मोहित? यू वर सेकंड. Which also means that Basir is doing the challenge. So the fourth guy who's doing this is Akash. Thank you. मुझे रणवीर जी ने बोला कि तुम्हें लड़कियों को उठा के पानी में फेंकना था, धक्का नहीं देना था. इसकी वजह से मैंने चैलेंज परफॉर्म नहीं किया फिर से. पर सबसे पहले who are you going with? आकाश. रितु. क्लियर हो गया. रितु और नैना. मोहित. Who are you going with? I'll go with Divya, sir. Akib? I'll go with Divya. You're going with Divya. I was like, तूने अपनी औकात बहुत जल्दी दिखा दी गेम में. थोड़ा रुक जाता. मतलब उनको लगा कि वो जो कहेंगे वो मुझे करना है. लेकिन I need to know people. And this was the best thing जो मैं कर सकता था. I was feeling very happy also, but inside I was very shocked. Divya? Yes, ma'am. We'd like to know whether you're going to choose Akib or Mohit. I was like, what? I just don't know what happened to Divya that time. Reason kya hai is choice ka? Sir, because inka pehla challenge hoga, to jee jaan laga denge. Which brings me to Mohit. Kiske saath karna chahenge aap? Do I have a choice? Steffi, okay. Aap ke beech mein. Aaj jo challenge hone wala hai, uska naam hai. ये मतलब कपड़े धोने हैं कि किसी को दुलाई मतलब मारना है और क्या दुलाई क्या. एक टाइम पे दो लड़के ये चैलेंज कर रहे होंगे. दोनों लड़के एक पोल पे बंधी हुई चेन से बंधे होंगे और दोनों चेन पर ताले लगे होंगे. जिस भी लड़की ने उन्हें खोल दिया पहले चाबी से वो जीत जाएंगे. वो चाबियां कहाँ हैं? इन बक्सों में. लेकिन बक्सों के अंदर आप जब खोलेंगे तो आपको चाबी नहीं मिलेगी. आपको क्या मिलेगा? साबुन. लेकिन किसी ने नोटिस किया कि इसके ऊपर भी एक ताला लगा है, तो इसकी चाबी कहां पे होगी? एक हेलमेट होगा आप दोनों लड़कों के सर पे और उस हेलमेट के पीछे एक हुक है जिसमें चाबी ऐसे अटकी हुई है. तो जाहिर सी बात है जब उसको जोर से झटका लगेगा तो वो अपने हुक से निकल के गिर जाएगी. बट सनी ये झटका कैसे लगेगा उनको? तो मुझे स्कूल के दिनों की याद आ गई जहां हम 11th 12th क्लास में किसी के ऊपर कोट डाल के दबा दब थप्पड़ बजाते थे. You have to do keep whacking until the key drops. जब आपको वो साबुन मिलता है और आप जो लड़के हैं शावर लगे हो उनको अच्छी तरह से धोगे. Oh my God. धोते 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 जब साबुन घिस जाएगा और जब आप हमें दिखाओगे कि ये रही चाबी तब आप उसको निकाल सकते हैं. जब आप उसको निकालोगे तो चेन पे जो लड़का बंधा हुआ है आप खोलोगे तो आप जीत जाओगे. So the two boys who win each round, you boys will be safe from going home. और उन दो लड़कों के साथ साथ their connections will also be safe. कौन किसके खिलाफ जाएगा और कौन सा मैच पहले होगा ये डिसाइड करेंगे बसीर, because he has the advantage from yesterday. So Basir, who would you like your opponent to be? Akib. और पहले कौन जाएंगे? Me and Akib. No. Akib का एटीट्यूड मुझे तोड़ना था, बताना था कि यहाँ कौन है, क्या करते हैं. मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है. Why not? कर लूंगा मैं, अपने में बिलीव है यार, पॉजिटिव. Are you guys ready? अभी अभी आया था आखिर और मैं उसको बताना चाहता था कि यहाँ पे बाप बैठे हैं. I was sure कि सिर मारना शुरू करेगा धाय. But वो भी एक एनाकोंडा है तो उसका भी हाथ तेज लगेगा. तो मैं ऐसे हो गई थी कि यार लड़के को लग ना जाए. 3, 2, 1, go.
जैसे ही 3-2-1 गो कहा गया, हम एक दूसरे को पेलने लगे हेलमेट पे मार मार के। बाप रे, दोनों एक दूसरे को क्या थप्पड़ बजाते हैं। मुझे लग रहा था किसी के लगे ना, मतलब बसीर के ना लगे। वंस बसीर ने मुझे हिट किया इतनी जोर से, उसको जो मैंने वापस हिट मारा, उसका हेलमेट ही निकल गया। एक टाइम आया जब उन दोनों मार मार के शायद एक दूसरे को थक गए होंगे, तो उन्होंने एक छोटा सा पॉज लिया, और वो पॉज में मैंने नोटिस कर लिया कि वहां पे चाबी नहीं है, मतलब नीचे। बसीर की भी चाबी गिर जाती, तो मैं चाबी लेके भाग के ताला खोल के साबुन निकाल के लाती हूँ। वापस आए तो दोनों शावर में एक साथ गए, तो दैट वाज एन एडवांटेज। नैना ने मेरी स्पीड को कवर अप कर लिया। हेलमेट खोल, हेलमेट हटा, खोल देगा वो, बस ही हेलमेट निकाल। फिर क्या था, फिर तो लड़ाइयां शुरू हो गई थी, धो रहे थे लोग कच 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 करके। कम ऑन फास्टर, कम ऑन नैना, कम ऑन फास्टर। I don't know, I wanted to hold the soap upside down, पर वो ग्रिप नहीं बन रहा था, तो फिर जो ग्रिप बन रहा था मैंने उस पर लेके धोना शुरू किया। हार्डर, हार्डर, कम ऑन दिव्या, फास्टर। जब डी आकिब को नहला रही होती, मुझे ऐसा लगता है भाई एक भैंसे को तबेले में नीचे बिठा दिया, एक सांड जैसे जैसा शरीर उसका, और उसे नहलाते नहीं है जबरदस्त, लगे रहते। मैं बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ। Come on, Nena, you can do it. Harder, harder. Get wild. Basir was like, come on, Nena. So it was like, oh my God, seriously. जब दुल्हा अपने आप को नहाते तो वैसे भी नहीं हो। Come on, Nena. दूसरे साइड पे हमारे मिस्टर आकिब was like, come on, दिव्या. भाई एक तो वो गुरिल्ला, तब फनी लग रहा था वो, and you know then he's like making comments. The blood! Ruk mat! Chal! Chal! Karna! I'm like, who the f*** talks to a girl like that? Who the f*** cheers that way? He's like, ye khole. You know, मेरे को गोरिल्ला जैसा sound कर रहा था, King Kong जैसा sound कर रहा था, and I was making weird face, और मैं actually डर गई थी। Don't be scared, dude. Don't be scared. मैं दिव्या को बोल रहा होता पूरे टाइम पे, कोई बात नहीं, डर मत, कोई बात नहीं, तू सिर्फ अपना साबुन लगाती है, कुछ नहीं है, वो थोड़ा जानवर है उसका अंदर है, वो बाहर आ गया। नैना कम ऑन, तेज तेज। मैं रब कर रही हूँ उसके बैक पे, एंड ही सडनली सेड, दिव्या चल चल, आई एम फीलिंग इट, चल चल। मैंने कहा व्हाट कैन यू फील, इतना फनी था वो। दूसरे बाजू में नैना और बसीर की परफॉर्मेंस बहुत हॉट थी। नैना ने उसका सर लेके इतने हॉट तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, आई गेस सब लड़कों के और लड़कियों के मुंह खुलने के खुले रह गए थे। मेरे हाथ बहुत बुरी तरह दर्द करने लगे, it was jammed, but I gave my best. दिव्या से ज्यादा स्पीड में और साबुन कम होने में हमारा ज्यादा आगे थे। Come on, more, faster. नैना पतला हो रहा है, नैना पतला हो रहा है, माँ कसम पतला हो रहा है, करती रहे करती रहे। लड़कियां लगी पड़ी हैं फुल घिसने पे, दबा दब दबा दब। This is for your safety in Splits Villa, girls. Keep scrubbing. Finally मुझे की दिखी अंदर, नीचे की तरफ से थोड़ी सी रह गई थी और ऊपर पूरा क्लियर हो गया था। चाबी निकाली, ताला खोला, एंड वी वन। इट्स ओके।
You will not believe that was my first challenge aur main jeet gaya. I was upset. Hamare liye wo haar bahut mehengi pad sakti thi. I was prepared ki is baar shayad meri aur Naina ki Splitsvilla 10 se exit ho jaye. All right guys, Mohit versus Akash, let's go. फिर बारी आती है मेरी और आकाश की. हम दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत ही जाएंगे. अब जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज अब अगर हारते तो हम आउट थे. मोहित आकाश रेडी? दिस इज योर फाइट टू स्टे इन स्प्लिट्सविला. गो. और जो थप्पड़ मारने शुरू करते हैं दोनों के दोनों, मोहित तो भाई बावला हो जाता है यार. मैं सोचता हूँ मोहित का आज तक रूप मैंने देखा क्यों नहीं. वो जुनून था कि मेरे को कैसे भी जीतना है. I was very furious. गिरी, चाबी गिरी. मेरी चाबी सबसे पहले गिरती है और ऋतु भाग के खोल देती है. तो ये कहीं ना कहीं उसकी स्टूपिडिटी दिखाता है कि ये गेम सिर्फ जान दिखाने का नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाना पड़ता है. मैं भी भागी, मैंने भी सोप निकाला, वापस आई, शार ऑन किया. आकाश का रोप निकल गया, मेरा रोप वो स्टिल स्टक विद आकाश. आई डोंट नो कहां से मेरे पे इतना पावर आया. आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग. मैं सीधा आकाश को, आई जस्ट पुल्ड हिम. खींच उसे. व्हाट आर यू डूइंग मोहित? I pulled his entire body and I got him to my shop. मेरा इतना दिमाग खराब होता है, इतना दिमाग खराब है कि तरह तो मत खेल, जानवर तो मत बल, डेढ़ पसली का नीचे फेंक दूंगा दो मिनट में. फिर जाके स्टेफी जो होती है वो शुरू करती है घिसना मोहित को साबुन से, और जैसा वो घिसती है स्टेफी और ऋतु दोनों ऐसे साबुन घिस रहे थे जैसे पता नहीं क्या चल रहा है, कोई पिक्चर की शूट चल रही है, रोमांटिकली शावर के नीचे दोनों नहा रहे. स्टेफी ने पता नहीं क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, हम लोग उनको देख के इतना हंस रहे थे. सिर नीचे रख, सिर नीचे रख. आ गया. Come on, Ritu, you're getting this one. आकाश मुझे बार बार चिल्ला चिल्ला के डांट रहे थे कि कर तू करो, डोंट स्टॉप. चलो चलो चलो, कम ऑन. अगर आप 3-4 मिनट तक कंटिन्यूअसली अपना हाथ ऐसे हिलाते रहोगे वो हाथ फील नहीं होगा. They're going to save us here. They won't save us. Go! मोहित के अंदर अचानक पता नहीं इतना एग्रेशन कहां से आया. वो चिल्लाने लगा स्टेफी पे. ऑफ है, कम ऑन, आ रहा. सडनली स्टेफी की स्पीड बढ़ गई. मैं इतना ज़्यादा अग्रेसिवली कर रही थी कि भाई करना ही करना है किसी हालत में भी. अचानक से मुझे एक चाबी फील हुई. And I can't tell you, मैं बोल नहीं सकता उस टाइम मुझे कैसा एक रश आया, लाइक चल घिस और जोर से घिस. एंड दैट्स व्हेन शी स्टार्टेड रबिंग. लिल्मो कम ऑन, गो स्टेफी. तो कहीं ना कहीं ऋतु का भी साबुत इतना घिस चुका था कि पॉसिबिलिटी थी कि वो उसकी चाबी जल्दी निकल आए. स्टेफी यू गॉट इट, कम ऑन स्टेफी. आई वाज so panicky, but I knew, you know, I have to be calm. And मैं और घिसी घिसी घिसी, मैंने फिर सर को दिखाया. Come on, come on, come on, take it out. Come on. मैं बहुत हद से ज़्यादा खुश हो गया था. I was very excited क्योंकि मुझे ये शोर था कि मैं सेफ हूँ. And I was really proud of myself, and I was very, very, very proud of her. Mohit and I were like, "Arey,
come on, we're like hugging each other and itne acche se perform karna was giving me that little hope ki ideal match nahi par shayad yahan pe koi ek real connection ho sakta hai. I'm sorry for pulling you there, man. I couldn't take my hand off. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. शायद आज मैं घर जा सकता हूँ या रितु घर जा सकती है. और काफ़ी मैं अपसेट था. Alright guys, दोनों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं. Congratulations, Steffi and Mohit. And आते ही जीत गए. आपके दिव्या के साथ congratulations to both of you. Was awesome and everybody was happy for us. I was very very upset. Basir was upset. और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हम unsafe zone में direct जाते हैं, ना idol match ना कुछ. मेरे shot हो गए थे. हम हार चुके थे तो we were afraid, we were not happy. हमें लगा अब हम घर जाने वाले हैं.